देख मैं बापू जी देर टप्पू हम लोग कच्छ जा रहे कल, तो कल की कच्छ एक्सप्रेस में हमारी टिकट बुक कर दे सेकंड एसी में, तत्काल में कर दे मिल जाएगी। अजली भाभी भिड़े बहन आप लोग भी चलिए ना साथ में। नहीं दया भाभी हम लोग नहीं आ सकते, परसों मेरे चचेरे भाई की शादी है तो हमें वहाँ जाना है। अजली भाभी आप चलिए ना। दया भाभी मैं तो अभी चलूँ आपके साथ, पर क्या है ना तारक के बॉस नहीं है यहाँ पे तो उनको वर्कलोड बहुत है इसलिए नहीं आ पाऊंगी। तो पोपटलाल तुम? नहीं बहने जेठालाल इस वक्त मैं तो शहर से बाहर जाने का रिस्क ले ही नहीं सकता। ले क्यों? वो क्या है ना तीन चार दिन से ऑफिस में एक लड़की रोज स्माइल दे रही है, तो क्या है ना हो सकता है कि इस बार मेरा मामला शायद सेट हो जाए। ओ यारो इन सबको छोड़ो, अब मैं और दोगी मित्र तुम्हारे साथ आएंगे। ये हुई ना मर्दों वाली बात, क्या बात है शाबाश छोटी मजा आ गया। मैं भी तुम्हारे साथ में कच आना चाहता हूँ। अरे क्या आइए क्या मजा आएगा, अभी एंड टाइम पर टिकट नहीं मिलेगी दया। टुपू के पापा एक टिकट की तो बात है, देखे ना जरा। दया भाभी एक नहीं दो टिकट चाहिए। क्यों? वो मेरे साथ बबीता भी आएगी। अरे लेकिन सेठ जी ऐसे एंड टाइम पे। अरे भाई एंड टाइम बेंड टाइम कुछ नहीं, कुछ भी करके ये दो टिकट तो कंफर्म होनी चाहिए भाई। लेकिन सेठ जी भगवान का नाम ले कोशिश कर सब ठीक हो जाएगा ठीक है। भाभी ये लीजिए मेडिसिन बॉक्स, ट्रैवलिंग में काम आने वाली सारी दवाइयां इसमें। वो हंस नाम? हाँ मैंने अलग अलग पैकेट बना के लिख दिया है कौन सी दवाई कौन सी बीमारी के काम आती है। थैंक यू, लेकिन आप लोग आते तो और मजा जाता। नहीं भाभी हम नहीं आ। अरे गोली यार तू चल ना मेरे साथ कचरा उत्सव में, वहाँ पर सॉलिड मजा आएगा। पर तू मुझे अब भी बता रहा है? अरे पर गोली कल ही तय हुआ ना। अरे और कल मैं पूरा दिन होमवर्क में बिजी था। अरे तू अब भी बता देना। अरे तू जाना मम्मी हम लोग भी टप्पू के साथ जाते हैं ना। हाँ तुम्हें पता है ना पापा को पेशेंस देखने होते हैं, तो मैं अकेला जाऊं? और तुम्हारा होमवर्क? मम्मी मैंने होमवर्क कर दिया है और चार दिन की छुट्टी है, मैं बहुत एंजॉय करूंगा मम्मी प्लीज। हाँ आंटी प्लीज 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 आंटी प्लीज। हाँ मम्मी तुम भी कुछ कहो ना। हाँ, भाभी अच्छी भाई आप भेजिए ना गोली को। अरे दया भाभी आप खामा का परेशान हो जाएंगी। भाभी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और मैं आपको वादा करती हूँ मैं गोली का बराबर ख्याल रखूंगी और गोगी भी साथ में आ रहा है तो तीनों को मजा आ जाएगा। प्लीज प्लीज आने दीजिए ना। मम्मी प्लीज मम्मी प्लीज गोगी भी आ रहा है प्लीज मम्मी प्लीज। ओके 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 कोमल वैसे भी गोली की चार दिन की छुट्टी है एंजॉय करेगा जाने देते हैं। सही बात है लेकिन दया भाभी वादा कीजिए आप वहाँ से हमारे लिए कुछ चटाका लेके जरूर आएंगी। ये क्या कहने की बात है? सही बात है। अरे दया वो बागा का कुछ फोन बन आया कि नहीं टिकट के बारे में? अरे दया तो हाथी भाई के घर पे दवाई लेने गई है, बागा का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? हाँ भाई बागा। हाँ सेठ जी शुभ सवार। अरे भाई मेरी सवार तो तब शुभ होगी जब तू मुझे ट्रेन के कंफर्म बर्थ नंबर देगा। सेठ जी आपने कल कहा था ना भगवान का नाम ले सब ठीक हो जाएगा, तो भगवान का नाम चालू ही है, अब देखिए भगवान क्या बर्थ नंबर देता है। अरे भाई सिर्फ भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, तुझे भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। सेठ जी आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, मेरा मन कहता है कि आप आराम से सोते सोते कच्छ पहुंच जाएंगे। शाबाश ये हुई ना कुछ बात, ऐसे हमेशा हकारात्मक बोलने का। चल अभी फटाफट पता लगा क्या हुआ टिकट का और मुझे अच्छा समाचार के साथ फोन कर ठीक है। हे भगवान अब बर्थ देना आपके हाथ में है। पापा, एक और टिकट करवानी है। क्यों? अरे क्यों नहीं पूछे किसकी? मेरा सवाल बराबर ही है क्यों किसकी टिकट बुक करवानी है? गोली की। गोली आ रहा? हाँ। अरे क्या तू हाथी भाई के घर पे दवाई की गोली लेने गई थी या हाथी भाई के गोली को कचाने का आमंत्रण देने गई थी? देखिए मैंने कोमल भाभी और हाथी भाई को वादा कर दिया है कि हम लोग गोली को हमारे साथ लेकर जाएंगे और टप्पू की भी बहुत इच्छा है कि गोली उसके साथ जाए। अरे दया ऐसे कैसे तूने बिना पूछे वादा कर दिया?
अरे भाई कच्छ जाना है, गोली को इधर गार्डन में घुमा कर नहीं लाना है। अरे टप्पू के पापा, एक ही टिकट का तो सवाल है, तत्काल में हो जाएगी। करता हूँ फोन बाघा को। थैंक यू। हाँ भाई बाघा। हाँ सेठ जी। एक और टिकट करवानी है गोली की। क्या सेठ जी, आप भी यहाँ? आपकी टिकट वेटिंग में है। और आप कहाँ एक एक टिकट बढ़ा रहे हो? क्या हमारी सब टिकट वेटिंग में है? अरे भाई तू तो बोल रहा था ना कि आप सोता सोता जाएंगे। सेठ जी लगता है आपने बराबर सुना नहीं, मैंने कहा था मेरा मन कहता है कि आप आराम से सोते सोते कच्छ पहुँच जाएंगे। मन वड़े कुछ भी कर, सारी के सारे टिकट कंफर्म हो जानी चाहिए। सेठ जी स्पेशल कोटा में लेटर लिख के दिया है, मेरा मन कहता है कि सारी टिकट कंफर्म हो जानी चाहिए। जैसे ही कोई शुभ समाचार आते हैं मैं तुरंत आपको फोन करके बता दूंगा। देख बगा, हेलो हेलो, रख दिया। कच्छ जाने के लिए सब लोग कितना उत्साह में है, अगर टिकट कंफर्म नहीं हुई तो बापूजी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? हे भगवान, टिकट कंफर्म होगी कि नहीं? और रोशन मेरी जान, तू फिक्र ना कर, और सारी तैयारी कर ली है। हाँ हाँ, अरे गोगी पुत्र का सारा सामान पैक कर दिया और अपना भी। पर सोनिया तेरे को बहुत मिस कर रहे हैं हम, अगर तू भी आती ना तो मजा आ जाता। मजाक कर रही है। और रोशन मेरी जान, तू मेरे साथ ही मजाक कर रही है। और वहां पे कच्छ में पार्टी शार्टी नहीं करूंगा, और वैसे भी चंपक चाचा साथ में होंगे ना। हाँ भाई, हाँ आला अपने पुत्र ना गाल कर। ओए आराम से भाई। हाय मम्मी। हाँ मैं ठीक हूँ, अब चिंता मत करो, मैं पापा का खूब ख्याल रखूंगा। ओए और सोनिया बिगड़ ना कर, मैं भी गोगी पुत्र का ख्याल रखूंगा। और सोनिया चल हम लोग चलते हैं, ट्रेन का वक्त हो रहा है, अपना ध्यान रखना। लव यू। और पापा मम्मी ब्रदर सिस्टर इन लॉ सबको पप्पी जप्पी। चल बाय, टेक केयर, वहां से तुझे फोन करूंगा। बाय बाय बाय। फोन अपने आप ही बंद हो गया पप्पी से। चल चल गोगी पुत्र, देर हो रहा भाई, उठा अपना सामान। ओ चलो यारो, बोले सोनिया सत श्री अकाल। ओए पापा जी, वो संभल के बेटा गिरना मत। गिरे गिरे बेटा। अरे अरे जेठिया जल्दी कर, टैक्सी भी आ गई है। कितने सालों के बाद कच्छ जा रहा हूं। पापा जल्दी। ये बापू जी, दया, टप्पू सब कच्छ जाने के लिए कितने उत्साह में है। टिकट कंफर्म हुई होगी कि नहीं? तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। हाँ सेठ जी। अरे भाई बाघा, क्या हुआ टिकट का? सेठ जी ये बाघा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन रेलवे वालों का अभी तक फाइनल लिस्ट निकला नहीं। मेरा मन कहता है सेठ जी उस लिस्ट में नाम जरूर होगा, लेकिन आप कहाँ हो? सोसाइटी में। सेठ जी कच्छ एक्सप्रेस ट्रेन है, बस नहीं। क्या मतलब? मतलब कच्छ एक्सप्रेस आपको पिकअप करने सोसाइटी तक नहीं आएगा, आपको स्टेशन तक तो आना ही पड़ेगा। अरे भाई सोसाइटी में हूँ, मतलब स्टेशन आने के लिए निकल ही रहे हैं बस। ओ अच्छा अच्छा, पहुँचिए जल्दी स्टेशन पहुँचिए। अरे बिना कंफर्म बर्थ नंबर के स्टेशन पहुंच के भी क्या करूं? हे भगवान लाज रखना, कहीं मुंबई के स्टेशन से ही वापस घर ना आना पड़े। ओ जेठा ब्रा आ गया। ओ आ जाओ आ जाओ, सामान लेके आ जाओ। आया आया। चलो चलो भाई। दया भाभी, आप आशा पूरा माँ से मेरे लिए खास प्रार्थना करना कि कम से कम इस साल तो मेरा मामला सेट हो जाए। भाई जरूर। और भाई जेठालाल, वो सफेद रण के फोटोग्राफ्स निकालना मत भूलना है। लेकिन अब सब लोग आते ना तो और मजा आता। तो कब से मैं बोल रही हूँ, सच में पिड़ू यार। अरे अगले साल आएंगे दया भाभी, उसमें क्या। गोली ज्यादा मस्ती मत करना ओके, और अंकल आंटी की बात मानना, और आंटी जितना भी जो भी देना चुपचाप खा लेना। हाँ बेटा।
ओके मम्मी, मैं जेठा अंकल के साथ ही रहूंगा और कुछ भी तकलीफ हुई तो मैं जेठा अंकल को ही बोलूंगा। गुड। ए गोली इधर आना। दया भाभी हमारी तरफ से दर्शन करना और याद से माताजी को थाली अर्पण करना। कोमल भाभी मैं पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से प्रसाद और थाली चढ़ाने वाली हूँ। अगर सारी टिकटें कंफर्म हो गई तो मैं भी एक थाल चढ़ाऊंगा। दया भाभी थोड़ा प्रसाद ज्यादा लेके आइएगा। और हाँ बच्चों, तुम लोग अभी नया प्रदेश देखोगे तो वहाँ की ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी हासिल करना। मैं पूछने वाला हूँ आने के बाद। ओ पिड़ो, ओ बच्चे वहाँ खेलने कूदने मौज मस्ती करने जा रहे हैं, तू कहाँ इन मासूमे में वहाँ पे भी पढ़ाई का बोझ डाल रहा है। अरे बोझ नहीं डालो सोड़ी, अगर हंसते खेलते अगर ज्ञान प्राप्त हो तो उसे लेना चाहिए। जनरल नॉलेज। हंसते हंसते हाँ ठीक है यार। आई थिंक हमें भी निकलना चाहिए, रास्ते में काफी ट्रैफिक मिलेगा। हाँ बरोबर है ना। हाँ सही बात है, निकलिए निकलिए। अरे जेठिया चल वरना ट्रेन छूट जाएगी। आया आया बाबू जी। चल 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 चल। अरे तुम लोग भी बैठो अभी जल्दी। हाँ तो दीदी। बाय। चलो बाय। चेक करना है भाई। और सब पूरा बता की। अरे फोन उठा बागा, फोन उठा, कहाँ है तू? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बच्चों बड़ा मजा आएगा कच्छ घूमने का है। कपूरा मुझे तो ऐसा मन कर रहा है ना कि भाग के जल्दी से ट्रेन में बैठ जाऊं और ट्रेन भी मैं ही चलाऊं और जल्दी से कच्छ पहुंच जाऊं। अरे चल जल्दी सोड़ी है यार, जल्दी करो सामान लेकर आओ जल्दी जल्दी। हाँ भाई सोड़ी है यार, सब सामान आ गया ना। और चाचा जी पूरा सामान मिल गया, सब सामान आ गया, मजा आ जाएगा। अरे जेठिया चल चल भाई। आया आया आ गया, सब सामान आ गया। यात्री कुबेर धाम बैंडा टर्मिनल से भूत जाने वाली कच्छ एक्सप्रेस 5:10 पर रवाना होगी। अरे चलो 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 चलते हैं, ट्रेन जुड़ने में 15 मिनट बाकी है। चलो 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 चलो। एक मिनट। ओ टिकट बाघा के पास है। तो बाघा कहाँ है? बापूजी यहीं कहीं होगा। अच्छा हे भगवान, बापूजी से कैसे कहूँ कि टिकट वेटिंग में है। तो चलिए ना टप्पू के पापा, हम टिप्पे के पास जाके खड़े रहते हैं। जनरल एक काम करो, तुम बागा दे फोन पर है ना, कोच नंबर और सीट नंबर ले लो, है ना। अरे भाई वही तो नहीं है, है? नहीं है मतलब? मतलब बापू जी टिकट कंफर्म नहीं है, वेटिंग में। वेटिंग जेठा जी टिकट कंफर्म नहीं है। मतलब जी मतलब अब 16 घंटे में ट्रेन में खड़े खड़े जाना पड़ेगा। अरे जाड़ा लाल इतना सारा सामान लेके विदाउट रिजर्वेशन हम लोग ट्रैवल कैसे करेंगे? जेठिया यहाँ आके बता रहा है तू, वहाँ घर से निकलते वक्त नहीं बता सकता था? बापूजी आप इतने उत्साह में थे कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आपको बताने की कि टिकट वेटिंग में है। यार तू मुझे बता देना था। यात्री कृपया ध्यान दें, बैंड्रा टर्मिनस से भूत जाने वाली कच्छ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर निकलेगी। आज तो ट्रेन भी टाइम पर है और वेडिंग का टिकट है तो हमको है ना डिब्बे में भी घुसने को नहीं मिलेगा। चलो वापस चलते हैं। नहीं नहीं अय्यर भाई, मुझे ऐसा पूरा माता पर पूरा विश्वास है। हाँ। सब ठीक हो
जाएगा, हम लोग कच्छ जरूर जाएंगे। क्रैकर दिया भाभी जी। ओए जेठा परा, वो सारी टिकटें मुझे दो, मैं अंदर जाके कुछ ट्राई करता हूँ। अरे भाई टिकट बाघा के पास ही है। अरे लेकिन बाघा कहाँ है? क्या पता बापू जी, कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे भगवान, अब 10 मिनट में कुछ नहीं हो सकता, चलो गोकुलधाम वापस चलते हैं। अरे भाई शांति रखो ना, क्या वापस जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, शांति रखो 2 मिनट। सॉरी बबीता जी, पर अब क्या होगा? भागा, भागा। सेठ जी कहाँ हो आप? हेलो सेठ जी। भागा तू कहाँ है भाई, कब से फोन लगा रहा हूँ, कहाँ था तू? सेठ जी मैं कब से प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। बघु भाई ये सामान किसका है? भागा मेरा। मतलब आप भी हमारे साथ आ रहे हैं? हाँ। अरे वाह, आइए आइए मजा आएगा। अरे क्या आइए आइए, टिकट कंफर्म नहीं है क्या? आइए सेठ जी, मेरी टिकट तो कंफर्म है। ओ बागा वेरी गुड, तेरी टिकट कंफर्म है, पर हम सबकी टिकट का क्या? छोटी भाई आप सबकी टिकट के लिए तो मैं यहाँ जल्दी आया था, स्पेशल कोटा में लेटर लिख के दिया, और फिर क्या हुआ? भाई टिकट कंफर्म हुई कि नहीं हो बता ना। हाँ यार जल्दी। सेठ जी आप सबकी टिकट कंफर्म है। सपुरा माँ, हमारी यात्रा सफल बनाना। भाई, अरे अरे धीरे धीरे, जरा साइड में खड़े रहो ना भाई। एक सेकंड ना। अरे एक मिनट सर, एक सॉरी, बीच में आते हैं यार। भाई साहब जरा जगह दीजिए, कहाँ घुस रहे हैं यार, क्या है यार ये तो। एक मिनट भाई साहब, पापा जल्दी आइए ना, जल्दी इधर जाओ ना, इधर चलिए सेठ जी। हेलो टीचर साहब, दाढ़ी टिकटा रोशन सिंह सोड़ी। ओ मैं हूँ जी। मिसेस कृष्णा नायर। दोबारा पढ़ो जी। मिसेस कृष्णा नायर। मिसेस कृष्णा नायर। अरे सोड़ी इधर, मेरा पूरा जेंडर चेंज हो गया यार, तुम हंसते क्या? हंसो मत। देखिए सर, मिसेस कृष्णा नायर नहीं है, मिस्टर कृष्णा नायर है। हाँ फीमेल लिखा है। नहीं नहीं, माई सेल्फ कृष्णा नायर, मेरा ये आईडी कार्ड है, ये देखिए, ये देखिए, ओके प्रिंटिंग मिस्टेक। ओ टीटी साहब क्या है ना, हम गोकुलधाम वाले और कभी कोई मिस्टेक नहीं करते हैं जी। हमारी कुछ सीटें इस तरफ है, बाकी सीटें उस तरफ है, और जो बाकी बच गई है वो इस तरफ है। आप कैसे जा रहे हैं भुज? नहीं फिर यार्ड में। ओ लास्ट का लास्ट। अरे ओके ओके जी, ओके मिसेस कृष्णा नायर। ए गोली, तू एक खुले दरवाजे के पास क्या कर रहा है? गिरना है क्या? टप्पू यार बहुत भूख लगी है, कुछ स्टेशन ही नहीं आ रहा है। अरे गोली, मम्मी ने तेरे लिए बहुत नाश्ता लिया है, चल चल। हाँ चल चल। थैंक यू यार, थैंक यू। बस अभी नहीं जाएगी बस, उससे ज्यादा एक तो इतना सामान भरती है बैग के अंदर तू। यहाँ क्या तू बैठ गई? उधर बबीता जी अय्यर भाई, उधर जाना चाहिए ना बाजू में। अरे लेकिन वहाँ जगह ही कहाँ है? देखिए वहाँ अय्यर भाई, बबीता जी, छोड़ी भाई और गोगी, वो लोग बैठे हैं। आप कहेंगे आज मेहता साहब को क्या हो गया, बच्चे बढ़ गए हैं क्या?
भाई रेलगाड़ी एक ऐसी चीज है जिसे मैं जब भी देखता हूँ बचपन की याद जरूर आ जाती है। याद कीजिए अपने वो दिन जब आप रेलगाड़ी देखते थे, रेलगाड़ी बन के गली मोहल्लों में दौड़ते थे, न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई है रेलगाड़ी से। और रेलगाड़ी यूं देखिए तो हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है, हमारी प्राण वायु है। और रेलगाड़ी में की हुई हमारी यात्राएं, जीवन के न जाने कितने सारे रंग इन यात्राओं में हमने देखे। परिवार के साथ रेलगाड़ी में यात्रा करना बिल्कुल एक पिकनिक की तरह होता था। स्टेशन पे उतरना, पानी लेके आना, खाने पीने की चीजें, आपस के यात्रियों से बातचीत करना, अंताक्षरी खेलना, न जाने क्या क्या। और अब देखिए ना, गोकुलधाम के हमारे मित्र रेलगाड़ी में कच्छ जा रहे हैं भाई, यानी कि बहुत मजा है यहाँ पे। और एक चीज और, जैसे समुद्र की लहरें कभी स्थिर नहीं रह सकती, टप्पू सेना कभी शांत नहीं रह सकती। टप्पू सेना इस वक्त साथ में है, तो सोचिए कितने हंगामे होंगे। और बोनस के लिए बाघा भी है, यानी कि इस ट्रेन में जितने स्टेशन मुंबई से भुज तक नहीं आएंगे उससे ज्यादा कई हंगामे होने वाले हैं। ये ट्रेन मस्ती की एक्सप्रेस बनने वाली है, आपके घरों में लेके आएगी बहुत सारी हंसी और ठहाके। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।